29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के पहले लगता है पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू में नेतृत्व को लेकर चल रहे घमासान के बीच नीतीश कुमार आज अपने कई विधायकों, विधान परिषद और करीबी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार पार्टी में यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है, अंदर खाने की खबर यह है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी जेडीयू के सभी नेता विधायक उनके साथ ही है। वहीं से तस्वीरें पार्टी दफ्तर से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं और कोशिश ये है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ही रहे। जेडीयू में हमेशा बड़ा होता है कि सब छोटा होता है। जेडीयू का दायरा बढ़ते जा रहा है, जेडीयू के नेता श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो हर दिन कुछ तो बड़ा होगा, तभी ना उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तभी ना बड़ा हो रहा है। अब तो बैठक में आप लोग भी चलिए, निमंत्रण देते हैं कि आप लोग जिस तरह से दिल्ली वाले लोग वहां पर प्रेस और मीडिया के लोग रहते हैं, अगर बिहार के लोग चलेंगे तो हम लोग को ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिहारी कहलाना गर्व का विषय है और पूरे देश में बिहारी का जलवा अपना है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, ये भ्रामक जो है कि अफवाहें जो है वो भाजपा के तरफ से फैलाई जा रही हैं और जेडीयू पूरी तरह से अटूट है और जितने भी हमारे नेता हैं उनका जो है नीतीश कुमार जी के अंदर आस्था है, उनके ऊपर आस्था है और जेडीयू पूरी तरह से जो है कि एक दूसरे के साथ एकता के साथ बंधी हुई है। जनता दल यूनाइटेड 2003 में बनी और 2003 से लगभग 20 साल तक जनता दल यूनाइटेड जिस चीज से लड़ते रही थी वो था लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव का जंगल राज। आज जब जनता दल यूनाइटेड लालू प्रसाद यादव के साथ है, न सिर्फ साथ है बल्कि उनके राजनीतिक दरबार की दरबानी कर रही है, तो जनता दल यूनाइटेड का हर पुराना आदमी इस बात को समझ रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। नथिंग इज वेल इन जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड एक बहुत बड़े डायलेमा में है, एक बहुत बड़े मंथन के बीच है। आपको दिखाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है राजनीति भी इसके ऊपर तेज होती जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर अब कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने बड़ा हमला कर दिया है। पित्रोदा ने कहा कि पूरे देश में राम मंदिर है, राम जन्मभूमि की बातें परेशान करने वाली है। Our nation is hung up on Ram temple and Janmabhoomi and all this stuff. It really upsets me, bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. The Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me. तो कांग्रेस के सैम पित्रोदा को आपने सुन लिया, लेकिन सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी राम मंदिर मामले के ऊपर हमला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम को लेकर भड़काऊ बयान दे दिया है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसमें ये आज वो उसका जश्न मना रहे हैं 22 तारीख को, तो मुसलमान का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुसलमान को ये रूहानी तकलीफ है और ये 22 का दिन मुसलमानों में हिंदुस्तान की तारीख में काले अक्षरों में लिखा गया है।